Today we have with us Savita Punia, the Great Wall of Indian Hockey Team, the title which she earned because of her phenomenal performance in Summer Olympics 2020. Welcome to the show, Savita. Thank you. So like Savita, from battling eve teasers in the bus to guarding India's goal post at the Tokyo Olympics, and then to climbing up to the best ever sixth position in FIH world rankings. How does it feel and what sweat and blood it takes? काफी टाइम लगा, बहुत लंबी जर्नी है और बहुत ज्यादा मेहनत है और बहुत लोगों की सपोर्ट है इसमें, इंक्लूडिंग माय फैमिली, माय कोचेस, माय टीममेट्स और खुद की बहुत मेहनत है. बहुत थोड़ा लेट समझ आया, बट जब समझ आया तो उसके बाद यही था कि बस जो कुछ है बस हॉकी है और उसी के लिए सब कुछ करना है. जो जिस डेडिकेशन के साथ मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, जब थोड़ा जैसे मैंने बताया कि 2007 में मैं कैंप में आई थी और उसके बाद से मुझे ये था कि जितनी मेहनत मुझे करनी है मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है. और मुझे, अगर मैं गोलकीपर हूँ तो उस टाइम पे पता चला था कि ओके, गोलकीपर का कितना बड़ा रोल होता है, तो कि मुझे एक दिन ऐसा खेलना है कि मेरी टीम को भी मेरे पे प्राउड हो, मेरे कोचेज को प्राउड हो कि ये हमारी टीम मेंबर है, मेरी टीम की पार्ट है. तो ऑफकोर्स बहुत प्राउड मोमेंट भी है, बट जब भी आप जो कुछ भी सेक्रीफाइस करते हो, जहां से भी आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, जब आप कुछ अचीव कर लेते हो और तब आपको वो सब चीजें, आपको वो स्ट्रगल टाइम और भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने ये फेस किया था और आज मैं यहाँ पे हूँ, तो अपने आप में ये एक मोटिवेशन मिलता है. और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे पेरेंट्स की नज़र में मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है, प्यार है बच्चे को, उससे ज्यादा और क्या चाहिए कि आप एक रीजन हो अपने पेरेंट्स की खुशी का. तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है. सो यू आर द राहुल द्रविड़ ऑफ क्रिकेट, लाइक द वॉल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, यू आर द वॉल ऑफ हॉकी इन इंडिया, इजंट इट? इट्स अ फीलिंग. लाइक मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू इंडिविजुअल रिकॉग्निशंस मीन टू यू? मेरे लिए सबसे बड़ा रिकॉग्निशन वही है कि मेरी टीम को मुझे एक नाम से पहचाने कि हाँ, ये हमारी गोलकीपर है, अगर ये खेल रही है तो हमारा एक अलग कॉन्फिडेंस है. या मेरे कोचेस को हमेशा लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उतना, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था या थोड़े टाइम बाद में भी चीज़ें आती थी, मीडिया में आती थी, मुझे उतना लाइमलाइट नहीं चाहिए होता था. मुझे, मैं लोग उतना पब्लिकली बात करना उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, बट मुझे एक ही चीज़ हमेशा रहती थी कि हाँ, मैं हेलमेट के अंदर शायद डबल कॉन्फिडेंस में रहती हूँ क्योंकि मुझे कैमरा फेस करना उस टाइम उतना अच्छा नहीं लगता था. बट हाँ, आपकी परफॉर्मेंस जब आती है तो आपको एक खुशी मिलती है और एक मोटिवेशन मिलता है, और उसकी वजह से आपको बहुत से चीज़ों पे आपने क्या सेक्रीफाइस किया, कितनी मेहनत की और क्या आपके लाइफ में अप एंड डाउन आए, क्योंकि स्पोर्ट्स है तो इसमें इंजरीज बहुत होती हैं, उन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया. लंबी जर्नी है और पर आज मुझे बहुत मजा आता है हॉकी खेलने में, क्योंकि एक गोलकीपर पोजीशन ऐसी है कि आपको जितना एक्सपीरियंस होता है आपको खेलने में, उतना ही मजा आता है, उतना ही आप कॉन्फिडेंस फील करते हो. तो शायद मेरे कोच का बहुत अच्छा डिसीजन था उस टाइम पे. मुझे लगा था कि क्यों गोलकीपर बना दिया, क्यों मुझे ये सब, इतना एक बर्डन है, इतना सामान उठाना पड़ता है. बट आज ऐसे लगता है कि शायद एक अलग पहचान मिल सकती है गोलकीपर को, क्योंकि आज से पहले, शायद पहले जब कभी हमारे सीनियर गोलकीपर भी होते थे तो होता था कि हाँ, उस टाइम पे समझ आ गया था कि गोलकीपर का कितना बड़ा रोल है, बट मुझे कभी इतना लाइमलाइट में रखा जाएगा या ये चीजें मुझे मिलेगी, वो मैंने कभी नहीं सोची थी. And I just love the way you are saying मजा आता है. हाँ, मैंने कभी सोच, क्योंकि गोलकीपर को हमेशा खेलने से डर लगता है, पर शायद ये सच है कि गोलकीपर एक ऐसी पोजीशन है, क्योंकि बाकी सब जगह पे भी आपके एक एज होती है और एक फिटनेस भी बहुत मैटर रखती है. हमारे लिए भी फिटनेस बहुत मैटर रखती है, पर जितना एक्सपीरियंस आपके पास होता है गोलकीपिंग करने में, उतना ही मजा आता है. तो इसीलिए शायद उतना ही खुश होकर मैं ये बात फिर से बोल रही हूँ कि मजा आता है. ओके, सो लाइक व्हाट प्रेप्स इन एक्शन फॉर द वर्ल्ड कप, क्या तैयारियां हैं?
बहुत ही आपने शायद सही डायरेक्शन में हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं इंडिविजुअल और एज ए टीम, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारी कोच है यानी कि उसके लिए हमारा हर एक ट्रेनिंग सेशन इतना हार्ड होता है या इतना एक राइट वे में होता है कि अपने आप ही लगता है कि हाँ आज कुछ करके आए हैं, कि ओके आज ट्रेनिंग में कुछ किया है, और वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं रेडी हूँ या हम रेडी हैं टूर्नामेंट के लिए। तो हमें यही है कि उससे पहले हमारे प्रो लीग के मैचेज हैं, हमें वो मैचेज भी हम, अच्छी बात है कि हमें इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले टॉप टीम्स के साथ खेलने को मिलेगा, तो अपने आप में एक प्रिपरेशन है। और अफकोर्स हम वर्ल्ड कप पे अपना बेस्ट देंगे इंडिविजुअल और टीम, और मैच बाय मैच जाएंगे और अच्छा फिनिश करेंगे। ग्रेट, सो लाइक वी हैव नोन यू फॉर इयर्स, यू शाय अवे फ्रॉम स्पॉटलाइट, बट रानी रामपाल वॉज इन रिहैबिलिटेशन, more responsibility as a senior player to you? Yeah, I think yes. And मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आज ये responsibility आई है, जब से शायद शूट सर जब टीम के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था 2017 से, तब से मुझे याद है कि उन्होंने मुझे और रानी को टीम के जिस उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था कि शायद नाम के लिए कैप्टन एक है बट मेरे लिए ये दोनों मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, और ये दोनों आपको मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी इनके ऊपर आती है, और इसलिए हमेशा से रानी के साथ थी मैं 17 से। हमने बहुत क्लोजली हर एक चीज को देखा है या एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और आज वो रिहैब उसका अच्छे से कंप्लीट हो रहा है और टीम में कमबैक किया है, तो हमारे सबके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीनियर प्लेयर टीम में होना कितना इम्पोर्टेंट है वो भी हमें पता है, और यंग प्लेयर्स टीम को कितनी एनर्जी देते हैं वो भी हमें पता है। तो जो हमारी टीम इस टाइम पे है, पूरी टीम को बहुत कॉन्फिडेंस है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप कैप्टन हो वाइस कैप्टन हो जरूरी नहीं है, बट आप एक सीनियर प्लेयर होते हो तो आपके जितना आप एक्सपीरियंस प्लेयर होते हो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही आती है, क्योंकि आपकी अपनी एक अपने खेल की एक अपनी इमेज बनाई होती है, और उसके लिए आपको खेलना है और टीम को आपको हेल्प करना है कि ओके ये मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मुझे इतना तो टीम को हेल्प करना ही है, या जो यंग जो टीम में यंग प्लेयर्स हैं कि उनको मुझे कैसे सपोर्ट करना है, या फिर प्रेशर सिचुएशन में जब आता है तो मैं उनको क्या ऐसा बोल सकती हूँ या क्या मैं ऑन द फील्ड उनकी हेल्प कर सकती हूँ, तो ये चीजें तो हम कंटिन्यू करते ही आ रहे हैं, तो ज्यादा कुछ मेरे लिए नया नहीं है, बट हाँ कि शायद मेरी पोजीशन ऐसी है गोलकीपर, शायद मैं वहां अपना काम बेस्ट करूंगी तो ऑटोमेटिक टीम की हेल्प अपने आप ही हो जाएगी, तो ये है कि और फिर भी हमारी टीम में काफी सीनियर प्लेयर हैं, और यानी कि आने के बाद हमारे टीम में उसके एक बहुत अच्छी बात है कि वो अदर प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखती है, तो हर 15 days में या 3 weeks में हमारा लीडरशिप ग्रुप चेंज होता है ताकि सब रिस्पॉन्सिबल बने और सबको पता चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है और आपको लीड बाय एग्जाम्पल अपने आप को कैसे एक सेट करके रखना है ताकि अपने आप की, क्योंकि बोलने के लिए टीम गेम है बट है तो इंडिविजुअल, क्योंकि हम अगर मैं आज इंडिविजुअल अपना काम अच्छा करती हूँ दूसरा प्लेयर अपना काम अच्छा करता है तो उससे ऑटोमेटिक टीम की हेल्प होगी, तो इसलिए हमें पहले खुद का काम अच्छा करना है एंड देन उससे ऑटोमेटिक टीम की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अग्रीड, यू शाय अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, आई मीन यू आर नाउ 31 एंड नॉट मेनी हॉकी प्लेयर्स इन द कंट्री प्ले ओवर द एज ऑफ 30, सो व्हाट motivates you to continue? सबसे पहले मेरी फैमिली, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और आज भी कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि 30 के बाद बहुत ही कम लोग खेलते हैं स्पेशली वुमेन्स में, और शायद उन सब के लिए मैं एग्जांपल भी हो सकती हूँ इन फ्यूचर की क्योंकि आज हॉकी जहाँ पे उस जहाँ आज हॉकी है और जिस चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत की, हमारी टीम ने इतनी मेहनत की, तो आज मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ तो मुझे क्यों छोड़ना है, कि जब मेरी फैमिली मेरे साथ है और मेरे को पता है कि मेरी फिटनेस है और मैं अपने आप में एक बिलीव है कि हाँ मैं परफॉर्मेंस दे सकती हूँ, तो मुझे मेरे लिए अपने आप में ही मैं अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ, अगर मुझे आंसर मिलता है कि हाँ मैं परफॉर्मेंस दे सकती हूँ तो मुझे खेलना चाहिए, क्योंकि एज है शादी तो एक ना एक दिन होनी है, बट खेलना तो छोड़ना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तो वो इतने अगर आज मुझे लगता है मैं खेल सकती हूँ तो क्यों मैं अभी से वो डिसीजन लूँ, तो शायद मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, और मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है और कोचिंग स्टाफ सब जो भी है, और
ऑलरेडी मैंने बताया कि गोलकीपर एक पोजीशन ऐसी है कि आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपको मैच आप इंजॉय करते हो और टीम को भी हेल्प कर पाते हो। और शायद अगेन इसी बात को यहीं से इस बात का आंसर दे सकती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, कि शायद वो मुझे कभी वो फील ही नहीं करवाते हैं कि ओके कि शायद बाहर से उनको क्या बोला जाता है। या और सच बताऊँ तो शायद बहुत ही कम होंगे जो बोलते होंगे कि ठीक है अभी शादी कर दो या बहुत खेल लिया। मोस्टली पिछले 3-4 साल में जो जितना पापा ने मुझे बताया यही बोला जाता है कि हर कोई यही बोलता है कि रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, क्योंकि हॉकी तो एक ना एक दिन तो खेलना छोड़ना है, बट जहाँ आज वो खेल रही है जो जैसा खेल रही है तो हम उसको खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो ये अपने आप में मेरे लिए एक मोटिवेशन है। बट आई एम श्योर शादी कैन नॉट बी द रीजन फॉर यू टू स्टॉप फ्रॉम नो प्लेइंग फुटबॉल. ऐसा। और शादी करने के बाद भी क्यों नहीं खेल सकते, ये क्यों एक सबका ऐसा माइंडसेट है कि अगर शादी होगी तो उसके बाद खेल नहीं सकते। और शायद मेरे पास अभी इतना कंफर्म ऐसा कुछ है नहीं, और हो सकता है कि मेरी इस साल शादी हो और उसके बाद मैं कंटिन्यू खेलूंगी। मैं भी उस चीज बिल्कुल का बिल्कुल एग्जाम्पल हो सकती बिल्कुल हूँ। तो मुझे वो सब चीजें, और उसमें सिर्फ आज मेरी ये फैमिली मेरे साथ है तो कल मेरी इन लॉज फैमिली जो होगी अगर वो मुझे सपोर्ट करती है और वो चाहती है कि हम उसे यहाँ खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो वो मेरे लिए एक सेम उनके लिए खेलना मेरे लिए एक खुशी की बात होगी कि हाँ जो मैं अपने इन पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है वो मुझे उनको भी करवाना है ताकि उनको भी अच्छा लगे। और सबसे मेन बात है कि इस जगह को कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता, बट एक सच्चाई है कि आप यहाँ खेलते हो तो अपनी एक आपने एक रिस्पेक्ट कमाई है उसको। अगर आपको लगता है कि आपकी वो फिटनेस है और आप परफॉर्मेंस दे सकते हो तो शायद आपको कंटिन्यू खेलते रहना चाहिए। और हमारे जो कोच है उसको भी हम कभी जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं या कभी भी बात करते हैं तो वो भी इस चीज से समटाइम्स पूछती है कि इंडिया में ये चीजें क्यों हैं कि आफ्टर 30 लड़कियां खेल नहीं सकती या आफ्टर मैरिज खेल नहीं सकती। तो बाहर तो फॉरेन में तो ऐसा कुछ नहीं है, इवन कि वुमेन एक शादी के बाद भी खेलती है और बच्चा होने के बाद भी खेलती है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हो परफॉर्मेंस दे सकते हो तो शायद आपको खेलना चाहिए, कि एज तो कोई मैं कोई इस चीज में तो डजंट मैटर। Agreed. Age is just a number. Agree. So, like moving on to my next question, Savita, you were offered a coaching role with the Sports Authority of India. Is coaching your next calling? Is coaching your next calling? Next up coaching? अभी नेक्स्ट कुछ प्लान किया नहीं है और कुछ सोचा नहीं, और डेफिनेटली कि जो मेरी जॉब है उस पे तो मुझे जाना ही है। और इस चीज में मैं इवन साई को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वो इतने सपोर्टिव है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे उस चीज के लिए कि मेन फोकस अभी तुम्हारा खेलने का है, टाइम आएगा तब कोचिंग भी करना है, और इन बिटवीन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जाती हूँ। बट हाँ कि जो चीजें मुझे पता है और अगर मैं आने वाली जनरेशन को वो चीजें बता सकूं और उसमें उनकी हेल्प कर सकूं तो मुझे अपने आप में खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल. इंडिया लॉस्ट ब्रॉन्ज मेडल एट FIH जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप. सो व्हाट कमेंट्स वुड यू लाइक टू मेक? वाज इट अ शेयर बैड लक और यू सी सम लूप होल्स इन द प्रिपरेशंस? बहुत ही पेनफुल है, जो पेन मैं हमने ब्रॉन्ज मेडल मैच ओलंपिक्स में फील किया था सेम मैंने वो चीज जो काफी हमारी टीममेट्स ने या मुझे यानेके का क्लोजली पता है कि उसे वो चीज कितनी फील हुई थी, क्योंकि यानेके ने भी उनको ट्रेनिंग दी थी अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के इरिक के साथ मिलके, और टीम बहुत मेहनत कर रही थी बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे थे। तो शायद एक बैड लक था और टीम बहुत अच्छी थी कि काफी उसमें जैसे शर्मिला है, श्यामी है, सलीमा है एंड बिच्छू है और इशिका है, दीपिका है, काफी हर एक पोजीशन पे सिर्फ जिनके नाम भी ऐसा नहीं है शायद इस बार की जो बेस्ट टीम थी वर्ल्ड कप के लिए। और हमें उनसे ज्यादा हमें बहुत कॉन्फिडेंस था, हमने एक भी मैच मिस नहीं किया। प्रो लीग जैसे ही खत्म हुई उसके बाद हम घर गए और हमने उनके हर एक मैच इवन घर जाके भी देखा और जल्दी एयरपोर्ट पे भी चले गए थे कि मैच मिस ना हो हमें देखना है, क्योंकि वो बहुत अच्छी हॉकी खेल रहे थे। बट शायद एक हमेशा होता है कि आप को हारने से हमेशा ऐसा नहीं है कि एक जगह सब
देखते हैं कि हार गए हैं, पर हार आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। तो हम मैच विन कर रहे थे और लीड को कैसे मेंटेन रखना है, स्पेशली लास्ट 2 मिनट्स में, तो वो अभी आगे के लिए एक लेसन है। और ऐसा नहीं है कि ओपोनेंट कुछ नहीं था, ऑफकोर्स अच्छी टीम थी, मैच शूट आउट में भी गया, और शूट आउट में समटाइम्स ऐसे होता है कि लक होता है, बट सच बात यह है कि शूट आउट मारने वाला और गोलकीपर भी सब अपनी पोजिशन में इतने अच्छे थे, तो इस चीज को एक बैड लक ही बोल सकते हैं। और जितना पेनफुल वो हमारे लिए था टीम के लिए, तो शायद उससे भी ज्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज के लिए बहुत मेहनत की थी। बट मैं तो एक ही चीज में बिलीव करती हूँ, आपको टाइम लगता है रिकवर करने में, बट आपको हार बहुत कुछ सिखाती है, और जो कि फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प करती है। Agreed. So like India will be facing off against Belgium in a double header in away games on 11 June and 12 yes. June respectively. So at the same time with the FIH Women's Hockey Pro League and FIH Women's World Cup coming up. So are we ready to give a strong game to the opponents and how? Yes, definitely we are ready. और how जिस direction में हमारी preparation चल रही है और जो हम continue every day जितना काम कर रहे हैं, तो कोई doubt ही नहीं है कि okay, सिर्फ ऐसे होता है कि हम match by match जाना चाहते हैं, इसलिए हमारा सबसे पहले Belgium के साथ match है, then उसके बाद हमारे 4 pro league के और match बाकी हैं, तो हमें पहले 6 pro league के matches खेलने हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि शायद women's hockey first time pro league match खेली है, वो matches खेलने को मिले हैं, टॉप टीम्स के साथ हमें मैच खेलने को मिले, और डेफिनेटली ये हमारे जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप है, कॉमनवेल्थ है, इसमें हेल्प करेंगे। सो यही है कि शायद मुझे ऐसे लगता है, एज ए सीनियर प्लेयर मैं बता सकती हूँ कि हमारी ट्रेनिंग बहुत सही डायरेक्शन में चल रही है, और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सब रेडी हैं और एक्साइटेड हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। बिल्कुल, लाइक व्हाट इज योर हॉकी फिलॉसफी एंड हाउ डिड यू डेवलप इट? इज देयर एन आइडियल फॉर्म टू द वे यू वांट टू योर Want your team to play hockey? कोई ऐसा खास आपने उसूल बनाया हुआ है कि इसी तरीके से प्लेयर्स को खेलना चाहिए और मुझे खेलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे शायद बहुत से हर तरह का टाइम हमने देखा है, अच्छा बैड टाइम, अप एंड डाउन्स देखा है, और प्लेयर्स की लाइफ बहुत अलग होती है, समटाइम्स बहुत अच्छा टाइम होता है, समटाइम डाउनफॉल आता है, और इंजरीज भी उसका पार्ट रहता है। और हमारी टीम में जो शूटर ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया कि टीम में मतलब यूनिटी होना कितना जरूरी है, बट स्पेशली जो यानी के आने के बाद हमने टीम में जो चेंज देखा है, एवरी डे, एवरी सेशन, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, उसके लिए हार्डवर्क इतना इम्पोर्टेंट है, और वो ही हमें काम देता है, फिटनेस हमें काम देती है, तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही ऐसा, हमारी मीटिंग चल रही थी और हमें हमें सबको पता है कि यानेके का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और वो सेम डिमांड हमसे करती है, तो जब हमें पता है हमारे कोच का स्टैंडर्ड इतना है, तो हम अपने आप को ऑटोमेटिक अपने आप को पुश करेंगे, क्योंकि मुझे बेस्ट खेलना है, तो अगर मुझे टीम में रहना है तो कोच की क्या डिमांड है हमें पता है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो कभी गिव अप नहीं करती है, और हमारी टीम में भी हम सब ने भी वो चीजें सीखी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर ऐसा कि गिव अप करता है, बट स्टिल एक माइंड सेट होता है, तो कई कई बार अगर ट्रेनिंग में थकान हो भी जाती है, अगर वो क्लिप मीटिंग में दिखाते हैं और क्लिप आ जाती है वो सामने, तो कोच की ओके हियर यू आर स्टॉप, आई थिंक यू आर टायर्ड, देन प्लेयर सोचते हैं कि हाँ शायद कोच को लग रहा है कि हाँ मैं टायर्ड हूँ, ऑनेस्टली आंसर देता है यस आई एम टायर्ड, बट उस कोई सोचता भी नहीं है, सामने से कोच का आंसर आता है बट आई डोंट केयर, यू हैव टू रन, तो वो एक डिमांड है, और उस चीज को ऐसे बोला जाए, वो पॉजिटिव वे में लिया जाता है, और मैंने अपने अंदर भी ये चेंज देखा, और टीम में ये चेंज देखा है कि सिर्फ आप थकते बॉडी से नहीं हो, आप दिमाग से थकते हो, अगर आपका माइंड बोल देता है कि मैं टायर्ड हूँ, मैं नहीं भाग पाऊंगी, तो आप चाह के भी नहीं भाग पाओगे, बट आप कितना भी थके, और बॉडी थकी है ऑफकोर्स, क्योंकि हॉकी स्पीड गेम है, वो फिटनेस गेम है, तो आपको थकान तो होगी, बट आपका माइंड अगर बोलता है कि नहीं मुझे पीछे जाना है, नहीं मुझे रीटैकल करना है, नहीं मुझे गोल सेकंड पोस्ट पहुंचना है, मुझे टच करना है, जो भी सिचुएशन होती है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उससे डबल रिदम में काम करती है, तो ये चीजें हमने सीखी है कि आप शायद थकान से ज्यादा आप अपने आप को पहले माइंड से मना लेते हैं, और उस चीज पे हमने वो अपने अंदर चेंज देखा है कि सिर्फ सब कुछ यहाँ से है, अगर आप दिमाग से सोचते हो कि मुझे ये करना है और मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी, तो डेफिनेटली चीजें आसान हो जाती हैं,
और यही हमारा अपकमिंग टूर्नामेंट में रहेगा कि हमें कोई भी मैच में गिव अप नहीं करना है, अंटिल लास्ट मिनट तक अपना बेस्ट देना है, और हमारे लिए परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर रखती है, क्योंकि हर जगह रिजल्ट की बात होती है। रिजल्ट ऑफकोर्स हमारे लिए भी बहुत मैटर रखता है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है। अगर हम एज ए टीम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट भी अच्छा आएगा। Thank you so much for your time, Savita. And it was actually a very, you know, very maja lagaing, you know, maja lagaing with you. Thank you so much for your time. Wish you luck. Thank you so much. Thank you so much.